जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि छेरापट्टी के छेरल ग्राउंड में आज ढांसू मैच का आयोजन किया गया है और यह मैच आज खेला जाएगा छेरापट्टी और गांडूगंज के बीच में। तो आज के अंपायर के रूप में हमारे ब्लैक कोबरा जी, जिसको जो है ना बहुत ही बड़का बड़का मैच का अनुभव है। ब्लैक कोबरा जी, थोड़ा पानी पिलाइए। पानी तो खत्म हो गया। बड़ा खत्म इंसान है आप, पानी अकेले पी गए हैं। हम कब पियेंगे? मुझ को दें, पीजिएगा। आप ना बोलेंगे। गांडूगंज के कप्तान गांडूलाल, क्या हुआ रे? ऐसे कप्तानी कीजिएगा कि गांडूगंज को जिताने के लिए कुछ करबो कीजिएगा। रे साला भोसड़ी के, जीरो पे तो अपने आउट हो जाता है, कैसे जीतेंगे? गांडू भैया, एगो ना आइडिया है हमारे पास, अगर ये आइडिया काम कर गया ना तो अब की बार जरूर गांडूगंज मैच जीत जाएगा। कौन आइडिया है रे, बताओ ना। देखिए, अगर ये एम्पायर और कमेंटेटर को अपने अंदर कर लीजिएगा ना पैसवा पे, तो समझिए पक्का मैच जीत जाएंगे। क्या करें बताओ ना। जाइए ना, बात कीजिए ना। ठीक है, खाली अपने तरफ जो है ना लगाते हैं जुगाड़। एम्पायर जी, गांडूगंज का कप्तान गांडूलाल इधर का आ रहा है। आने दीजिए, कोनो काम होगा। सर, ये वाला मैच कहता हूँ, हमको जितवा दीजिए सर, हमको किसी भी हाल में जीतना है। अरे अरे भाई जी, अरे आप मेहनत कीजिए, आप खेलिए, जीतिएगा जरूर, हम कैसे जितवा सकते हैं? अरे हमार कहने का मतलब है, तनी बेईमानी शैतानी करवा के हमारा जितवा देते। आपको हम बेईमान दिखते हैं का? मतलब आपके चक्कर में, गांडूगंज को जिताने के चक्कर में हम मतलब छेरल ग्राउंड का नाम खराब कर दें, छेरापट्टी का नाम खराब कर दें? प्लीज सर, एक बार बेईमानी कर लीजिए, गांडूगंज का इज्जत बचा लीजिए, आप जितना बोलिएगा उतना पैसा दे देंगे सर। तो पैसा कितना दीजिएगा तो हम लोग बेईमानी तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम क्योंकि हम बेईमान हैं नहीं। एगो काम कीजिएगा तो हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा सर? गांडूगंज से है ना? हाँ, गांडूगंज। गांडूगंज में लुलिया को जानते हैं, जेकर बाप का नाम मंगरुआ है? हाँ जानते हैं, हमारे घर के बगल में तो है। हाँ देखिए, लुलिया ना हमको बहुत अच्छी लगती है, अगर उसका नंबर जुगाड़ लगा दीजिएगा ना तब तो आपके लिए हम बेईमानी कर देंगे, आपको पक्का जिता देंगे, गांडूगंज को पक्का जिता देंगे। रे साला एंकर, तू हमारा गांव के लड़की पर गलत नजर रखता है रे। साला ना जितना हमारा मैच। हाँ तो जाइए, हर बार आपका गांडूगंज हारते रहेगा, जब तक लुलिया का नंबर नहीं दीजिएगा तब तक हम बेईमानी करबे नहीं करेंगे, अगर नंबर मिल जाएगा तो आपको जिता देंगे, गांडूगंज का नाम रोशन कर देंगे। सर सर, कर जिता दीजिए, हम नंबर अवेलेबल करवा देंगे, जिता दीजिए सर। लुलिया जी का नंबर जुगाड़ लग जाएगा? हाँ, लग जाएगा, जिता तो समझिए आपका गांडूगंज जीत गया। धन्यवाद सर, हम पक्का नंबर दे देंगे। जाइए जाइए। अक्का भैया जी, पूरा सेटिंग गेटिंग कर दिए? पूरा सेटिंग गेटिंग कर दिए, इस बार गांडूगंज जीत जाएगा। कमाल करती है भैया जी। अक्का भैया जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे रोशन, तुम धूप में इतना क्रिकेट खेलते हो फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतना अच्छा शाइनिंग और ग्लोइंग कैसे है, क्या यूज करते हो? देखिए भैया जी, इस सवाल ने हमसे बहुत लोग पूछते हैं, इसका सीधा सा आंसर है, मैं किसी फेयरनेस क्रीम का यूज नहीं करता हूँ। फेयरनेस क्रीम से क्या होता है, थोड़ा देर के लिए हम गोरे दिखते हैं लेकिन मुंह धोने के बाद फिर से वैसे दिखने लगते हैं, इसीलिए मैं इसे किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं यूज करता हूँ मुस्टेक का हर्बल स्किन लाइटिंग ऑयल और ओशियन फेस वॉश का कॉम्बो, मर्दों के लिए मर्दों का प्रोडक्ट। अरे वाह, लेकिन इसको यूज कैसे करते हो? देखिए, बेसिकली ये ऑयल ना हमें नेचुरली अंदर से ब्राइट बनाता है, जिससे हम नेचुरली गोरे दिखते हैं। मैं बताता हूँ इसे यूज कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हर्बल स्किन लाइटिंग ऑयल की 3-4 बूंदे अपने हाथ पे लेना है, फिर इसे अपने चेहरे पे अच्छा से अप्लाई करना है, फिर 10 मिनट तक के लिए इसे छोड़ देना है। इस ऑयल में ना हल्दी और एलोवेरा के गुण है, आप तो जानते ही हैं हल्दी और एलोवेरा ये सब नेचुरल चीज़ें हमारे चेहरे के लिए कितने फायदेमंद हैं। तो 10 मिनट तक इस ऑयल को अप्लाई करने के बाद मुस्टेक के ओशियन फेस वॉश के साथ मुंह को धोना है। अब बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें पाया जाता है सैलेस्टिक एसिड और लिकोराइल एक्सट्रैक्ट, जो कि चेहरे को अंदर से नेचुरली ब्राइट बनाता है, जिससे हम नेचुरली गोरे दिखते हैं। बेसिकली ये कॉम्बो ना बिल्कुल परफेक्ट है हम मर्दों के लिए, भाई मैं तो इसे ही यूज करता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल का प्रोडक्ट है, लेकिन खरीदे कहाँ से, किस मार्केट से खरीदे? भैया जी, किसी मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके फटाक से क्लिक करिए और फटाक से खरीद लीजिए। अभी खरीदता हूँ।
तो दोस्तों आपको भी इस कॉम्बो को ट्राई करना चाहिए, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मैं इसे डेली यूज करता हूँ, आपको भी यूज करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके खरीदिए फटाक से, अभी सुपर डुपर सेल चल रहा है। तो भैया जी चलिए अभी अपने लोग क्रिकेट खेल गंडूगंज को जिताते हैं। का रोशन भैया लड़की के चक्कर में बेमान बन गया? अरे बल्ले कोबरा, लड़की के चक्कर में तो लड़का सब कंगाल बन जाता है, हम तो खाली बेईमान ही बने हैं। हम सब पका देंगे जो छोड़ी के चक्कर में बेईमान बने हैं और गंडूगंज के जीता रहा है। देख लिया हम कहते हैं। अरे तुमको भी देंगे बात करने के लिए, लुड़िया से तुमको भी बात कराएंगे। ठीक है, ठीक है ना? तब तो ठीक है, चलो ठीक है, मैच स्टार्ट करवाओ। तो हाँ, तो गांडूगंज के कप्तान गांडू लाल और छेरापट्टी के कप्तान छेदी लाल से मेरा निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द टॉस करवाएं। एम्पायर जी आ जाइए, टॉस करवाइए। सुनिए ना, गांडूगंज को जिताना याद है ना? हाँ याद है। लुलिया का नंबर चाहिए कि नहीं? चाहिए। जाइए, खूब बेईमानी कीजिए, जिताइए गांडूगंज को। तो एम्पायर, हेड लगा के टेल, हेड टेल योर। अकांत भैया उठ के गिराइए ना। छेदी भैया आप भी गिराइए, आप भी गिराइए। तो यहाँ पे गांडूगंज टॉस जीतकर फर्स्ट बैटिंग करने का फैसला लिया है, तो हम छेरापट्टी के कप्तान छेदीलाल से कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द अपना फील्डिंग सजा ले। अरे रोशन मां, गांडूगंज के इज्जत अपनी तोरे हाथे है, समझा? तनी बढ़िया से खेलेगा, टेंशन मत लीजिए गांडू भैया। वैसे भी बेईमानी शैतानी करवे करेंगे, हो ये रहा तो उतना टेंशन लेने का बात नहीं है। बक बे उदा, बेईमानी शैतानी तो होबे करेगा, तनी बढ़िया से खेलेगा तब न जीतेगा। ठीक है, खेलेंगे, टेंशन मत लीजिए। आ देख लो बाबू, गांडूगंज का इज्जत तेरे हाथ में है, बढ़िया से खेलेगा। हाँ, एकदम धुन के खेलना है, जाओ बढ़िया से खेल के आओ। हाँ, तो गांडूगंज की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में रियल रोशन और बिट्टू झा पधार चुके हैं, वहीं पे छेरापट्टी की तरफ से फर्स्ट ओवर बॉलिंग लेके आए हैं हमारे विक्रांत शर्मा। देखते हैं कौन अपनी टीम के लिए क्या कर पाता है। तो विक्रांत शर्मा चले रियल रोशन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, इसी तरह फेंको। खाली गेंद देखा है, गया कि मारबो करेगा रोशन, तब गांडूगंज हारता है कि? ए बांसुरी के गांडू सब, कन्नू को मारना तब ना बेईमानी करेंगे, तब ना लुलिया जी के नंबर लेंगे। तो विक्रांत शर्मा चले रियल रोशन के लिए, और ये क्या, रियल रोशन ने मार दिया पहला चौका। विक्रांत क्या कर रहा है यार, अच्छे से बॉल फेंको। वाह रोशन वाह, तू तो चौका मार दिया है। चौका नहीं है, छक्का है। छक्का का छक्का चल गया। छक्का मार दिया, उनको छक्का मार दिया। और ये क्या, एम्पायर का इशारा छेरा, और छेरापट्टी के सभी प्लेयर एम्पायर पे दबाव बनाते हुए चौका है, चौका है का। अरे भाई कोई बाउंड्री जाके देखो, बाउंड्री कहाँ पे है? ए का है रे? अरे नहीं, चारे रन है, बाउंड्री यहाँ है, गेंद यहाँ गिरा है, छक्का नहीं चौका है, चौका। छक्का कैसे चल गया रे, बॉल बाउंड्री सिधरे है। चौका है, छक्का है एम्पायर? एम्पायर हम है कि तू है रे? छक्का है। अरे साला एम्पायर बोल रहा है तो छक्के ना होगा रे। एम्पायर चल बाउंड्री दिखाते तुमको। चलो दिखाते हैं। चलो चल। एम्पायर का मन सर मन होता है बाबू।
ए बाबू साहब, जो एम्पायर कर रहा है वह होगा, छक्का मतलब छक्का। एम्पायर का मान सम्मान होता है, पूरे सम्मान होता है। चलो तो बाउंड्री देखते हैं। चल यहाँ गिरा। हाँ यही गिरा, यही सलाह सब बेमानी कर रहा है। बाउंड्री वहाँ है, गिरा यहाँ, कहता छक्का है। कहाँ गिरा गेंद? बाउंड्री वहाँ है, गेंद यहाँ गिरा है। यहाँ एम्पायर छक्का वक्त छक्का हुआ, छक्का बाउंड्री वहाँ, गेंद यहाँ गिरा, छक्का है। यहाँ का यहाँ रूल है, एम्पायर जो बोल दिया बोल दिया। जो बोल दिया बोल दिया। गेंद कहाँ गिरा सर? गेंद यहाँ गिरा था। रखो लीजिए। अरे गेंद यहाँ गिरा था। हाँ यहीं गिरा था। बाउंड्री यहाँ है, बाउंड्री के इस साइड गेंद गिरा है, छक्का है। तो फिर से चले विक्रांत शर्मा और रियल रोशन के लिए। और ये क्या, रियल रोशन ने गेंद को मार दिया है, लेकिन वहाँ पे फील्डर मौजूद है। गांडूगंज को एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अब मेन स्टैक पे बिट्टू झा, नॉन स्टैक पे रियल रोशन। विक्रांत शर्मा चला अब बिट्टू झा के लिए, और यहाँ पे बिट्टू झा बहुत अच्छा शॉट खेल चुके हैं, लेकिन छेरा पट्टी का प्लेयर बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। वो गेंद को पकड़ भी लिए हैं। यहाँ पे गांडूगंज को जो है दो रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा भाई। फिर से चले विक्रांत शर्मा बिट्टू झा के लिए। और ये क्या, विक्रांत शर्मा द्वारा फेंका गया गेंद डायरेक्ट बिट्टू झा के जाके लग गया है। अब बिट्टू झा दर्द से बेचैन, और ये उनका ही साथी खिलाड़ी रियल रोशन दौड़ गए हैं उनके पास। बिट्टू झा का दर्द देखते हुए रियल रोशन भी रो पड़े हैं। अब हमर बिट्टू भैया बाप ना बन पाएगा, अगर बीबी के पास हमनी को जाना पड़ेगा। योरे बिट्टू भैया का बैठ खड़ा फोन दिया रे। अरे उठा रे, डॉक्टर के पास ले चलो। तो बिट्टू झा के प्राइवेट पार्ट पे बहुत ही ज्यादा चोट लगने के कारण वो मैच से बाहर चले गए हैं। अब बिट्टू झा के जगह मेन स्टैक पे आए हैं गांडूगंज के कप्तान गांडू भैया। बढ़िया से गांडूगंज का लाज बचाइए, छक्का चौका उड़ाइए। यहाँ पे गांडूगंज के कप्तान गांडूलाल आगे बढ़ के खेलना चाहा, शायद यहाँ पे स्टंप आउट हो गए हैं। आउट 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 आउट। कैसे खेलते हैं, इतना आगे बढ़ना जरूरी था। बुलिया जी के नंबर नहीं मिलेगा। नॉट आउट, नॉट आउट, नॉट आउट। आउट नहीं है भैया जी, आउट नहीं है गांडू भैया, आप आउट नहीं है। साला गजब का बेईमानी कर रहा है हमर ब्लैक कौड़ा। साला एम्पायर वो आगे बढ़ के खेला, आउट कैसे नहीं है? जब बोला वो हो गया। अरे एम्पायर जी बोल रहा है तो सही है ना बोल रहा है? अरे भैया एम्पायर के मान सम्मान होता है, पता नहीं है तुमको? छेरा पट्टी के प्लेयर से हम कहना चाहेंगे कि आप जो है एम्पायर पे किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाले, एम्पायर का मान सम्मान होता है। चलो नाप के दिखाते हैं। चलो नाप के दिखाओ, चलो नाप के दिखाओ। एम्पायर जो बोल दिया कह देते हैं। नाप के दिखाओ, नाप के। एम्पायर का मान सम्मान होता है, पहले बोल दिए। कहाँ आउट है? देखो इतना आगे से खेला है, नापो तो। नापो नापो। साला इतना दूर से खेला, बिल्कुल आउट है ये। नापो 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 नापो। नापते हैं, हट तू। हाँ वहीं से लो, देखो आउट है, आउट है, आउट है, बिल्कुल आउट है, आउट है ये। नॉट आउट। हमने आपको तो को आउट है। साला एम्पायर को नियम है, यहाँ की यहाँ रूल है। भैया जी आउट नहीं, आप क्या
निकालिए, फाड़ दीजिए पकड़ के। छेरा पट्टी वाला को अब तो छेरा देंगे। हाँ हम मारिए एम्पायर जी। चलिए एम्पायर जी, थैंक यू। गजब का पैमाने किया। लास्ट ओवर का लास्ट गेम है गांडू भैया, अब तो मार दीजिए। सब बॉल तभी से खा गए। फेंकिए छदी भैया, लास्ट बॉल है। का जीतिएगा मैच? लीजिए यो बॉल बीट करवा दिए। गांडू का गांडू ये तो खेला है। छदी भैया आप तो कमाल कर दिए, 45 रन ही बना है। टेंशन लेने का कोई बात नहीं, जीत जाएंगे हम लोग। का गांडू भैया पूरे गांडू तरह खेले है, सब बॉल खा गए। तो क्या करते, तू तो ऐसे नहीं खेला। 45 रन बना है, कैसे होगा? अच्छा चिंता मत करो, वो अपना एम्पायर लोग से सेटिंग गेटिंग हो गया है, वो लोग बेईमानी करेगा, हम लोग जीत जाएंगे। अरे सही हो बात है ना, भूलिए गए थे। अच्छा चलिए ना, हम फील्डिंग बढ़िया से करवे करेंगे, आप बॉलिंग बढ़िया से करिएगा, जीत ही जाएंगे, एकदम जीत जाएंगे। तो यहाँ पे गांडू गज टोटल 45 रन बना करके ऑल आउट नहीं हुआ, ओवर ही खा गया, बिल्कुल गांडू की तरह खेला है। गांडू गज बैटिंग में कुछ खास कर नहीं पाया, देखते हैं बॉलिंग में क्या करता है। रोशन भैया कितने बेमानी काटे, साला सब 45 को 45 से रन बनाया, लगता है नहीं जीत पाएगा। एम्पायर जी लुड़िया का नंबर चाहिए तो चाहिए, हमको बहुत अच्छी लगती है, तुम भी बात करेगा ना? एक काम करो, छेरा पट्टी को ना पटाख से ऑल आउट करवाओ, ठीक है? जाओ, खूब बेमानी करो, खूब बेमानी करो। तो पहली पारी के समाप्ति के बाद दूसरी पारी यानी छेरा पट्टी की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में छेदी लाल एंड विक्रांत शर्मा। मेन स्ट्राइक पे छेदी लाल है और नॉन स्ट्राइक पे विक्रांत शर्मा। वहीं पे गांडू गज की तरफ से फर्स्ट ओवर बॉलिंग लेके आए हैं गांडू लाल, जो कि गांडू गज का कैप्टन है। तो देखते हैं गांडू गज इससे पहले बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाया, क्या कहते हैं ओवर ही खा गया, मतलब जो है 45 रन बना पाया, लेकिन फिर भी देखते हैं बॉलिंग में क्या कुछ उखाड़ पाता है गांडू गज। तो गांडू लाल चला हमारे छेदी लाल के लिए। ए गांडू भैया सटीक बॉल डालिए, सटीक बॉल। और गांडू गज ने जीता ना तो लुलिया जी का नंबर 1 होगा, उसको तुरंत तोड़ देते हैं। आउट। साला इतना भी बड़का बेईमानी नहीं करने बोले कि सबको पता चल जाए। रे साला एम्पायर पोल यहाँ तक आया भी नहीं, आउट कैसे हो गए रे? अरे साला एम्पायर हम है कि तू है रे? आउट बोल दिया तो आउट है। पागल समझ लिया हमको रे, रे पागल समझ लिया हमको, छोड़ेंगे नहीं। अ देखिए देखिए, ए भाई साहब, ए प्लेयर जी, एम्पायर जो कह रहा है वही सही है। हाँ एम्पायर का मान सम्मान होता है, आप लोग को पता ना है कि एम्पायर का डिसीजन को मानिए भाई। क्या है मतलब लड़ाई कर रहे हैं एम्पायर जी से? रे साला पगला तो नहीं गया है एम्पायर हमें कि तू है रे? अभी बॉलर गेंदों ने फेंका, तू आउट दे दिया। आउट है, आउट, आउट, आउट। वाह भाई आउट कर दिया आप। आउट। रे साला एम्पायर बॉल उसके हाथ में, अभी फेंकवो निकट, आउट कैसे हो गए रे? ए साला एम्पायर हम है कि तू है रे? सही बात है भैया जी, मतलब जो है एम्पायर का मान सम्मान होता है, आपको पता ना है कि जो डिसीजन दे दिया दे दिया, आउट मान लीजिए अपने आप को। अरे भाई साहब मान ना लीजिए, एम्पायर साहब आउट दे दिए हैं तो आउट मान लीजिए। रे एम्पायर इस सरासर बेमानी, इस बार छोड़ रहे, अगली बार से पिछवाड़ा तोड़ देंगे तुम्हारा। रे साला तो हमारा पिछवाड़ा तोड़ेगा, पूरा टीम ऑल आउट। रे साला पूरा टीम ऑल आउट कैसे हो गया रे? यहां की यहां रूल है, देखिए देखिए एम्पायर जी ऑल आउट कर रहा है तो ऑल आउट है आप लोग। हाँ एम्पायर का मान सम्मान होता है, आप लोगों को पता ना है कि एम्पायर जो डिसीजन दे दिया दे दिया। हाँ तो इस तरह से छेरा पट्टी ऑल आउट होते हुए छेरा पट्टी इस मैच को हार चुकी है और गांडू गज इस मैच को जीत चुकी है। तो गांडू गज के कैप्टन गांडू लाल से निवेदन है कि आप आइए, आप मैच को जीत चुके हैं, कप ले जाइए और हमको जाओ लुलिया जी का नंबर। जीत गया गांडू गज मैच। अब भैया जी कप लगाइए ना, आप भी जाइए ना, आइए आइए गांडू लाल जी, आइए आइए
आप तो मैच जीतिए गए ना। हाँ जीत गए है। गांडू लाल जी आपको मैच जीतकर कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है। मैच पकड़ के बोलिए। धन्यवाद। बड़ा मजा आ रहा है मैच जीत के। पहली बार गांडू गज का है इज्जत बचा है जीते है मैं तो बड़ा मजा आ रहा। प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है एकदम। तो का कहे सब लुलिया जी का कृपा है। नंबर याद रखिएगा ठीक है? ना ना एकदम एंकर साहब आपको हम नंबर दे देंगे। माना आप गांडूगंज का इज्जत न बचाए हैं पक्का नंबर दे देंगे। लुलिया जी के चक्कर में हम बेईमान बने हैं ना तो हम बहुत ईमानदार पड़ोसा है कि ना? है कि ना? अरे वो तो देखने की है कितना ईमानदार है। बस सब उसी का कृपा है आप मैच जीते हैं। एम्पायर जी आप सम्मानित कीजिए गांडू लाल को। कप दीजिए। लीजिए आप ही का लीजिए। यो लीजिए जाइए गांडू लाल जी खुशी बनाइए। एंकर साहब बड़ा मजा आ रहा है। लुलिया जी याद रखिएगा। लुलिया जी का नंबर मिल गया। मिल जाएगा खूब बात पकड़ दीजिएगा हमको। अरे देंगे रे पगला टेंशन मत लो। अरे जीत गए रे जीत गए रे। रे साला तू लोग बेईमानी करके मैच जीता है। बेईमान नहीं करेगा। बेईमान है। बेईमान नहीं करेगा। मारो उसको मारो उसको मारो मारो। चलिए उसका भी रेलते हैं। चलो इसको भी लपेटा में लेते हैं। अब भागो बोले कुबरा। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और मुश्टेक प्रोडक्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।